हम अगले सवाल की तरफ आते हैं शेख साहब। तो अगला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। शेख, मेरा एक सवाल है कि रात के वक्त कोई घर में सो रहा है, उस वक्त अगर कोई बिल्ली या कुत्ता आगे रोए तो लोगों के ख्याल आता है कि मतलब किसी के साथ बुरा नहला, किसी की मौत होने वाली है, सही ये बात सच है या गलत, आप इसको बताएं। ये एक और गलत फहमी है समाज में, माशरे में, कि कुत्ता भोंकता है, बिल्ली भोंकती है तो इसका कोई बैड साइन है, कुछ ख़राब होने वाला है, गलत होने वाला है, ये किस हद तक सही है? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। भाई ने जो सवाल किया है बहुत ही रिलेटेड है हमारे टॉपिक पर, क्योंकि लोगों के खौफ की रातों में जो लोग डर के उठ जाते हैं तो उसमें से एक वजह ये भी होती है कि जब बिल्ली या कुत्ता की अलग किस्म की आवाज़ें सुनते हैं तो उनके दिमाग में है कि शायद कि अब कोई मलकुल मौत यहाँ से गुजर रहा होगा, जिसको ये लोग देखकर डर रहे होंगे और अब किसी की मौत होने वाली है। हम जब कुरान और हदीस में पढ़ते हैं ऐसी कोई हकीकत हमको नज़र नहीं आती जो ये गुमान पाया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हमको ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलती है सही बुखारी के अंदर कि वहाँ पर यह बताया गया हर कोई आवाज़ सुनता है खबर के अज़ाब की सिवाय इंसान के, यानी इंसान को खबर का अज़ाब जो हो रहा है वो सुनाई नहीं देता। तो वो सिर्फ कुत्ता और बिल्ली की हद तक नहीं, खबर का अदाब अलग चीज़ है और मौत का आना अलग चीज़ है। भाई ने जो सवाल किया है वो खबर के अदाब के बारे में गुफ्तगू यहाँ पर नहीं हो रही। यहाँ पर जो गुफ्तगू हो रही, भाई ने जो सवाल किया कि भाई क्या किसी की मौत होती है क्या, तो इस लिहाज से उस हदीस शरीफ के अंदर भी बता दिया जाता कि भाई अगर कुत्ता या बिल्ली की आवाज़ आए तो यकीन इसका मतलब है कि वहाँ पर मौत होने वाली है। ऐसा कोई हदीस में हमको तफसील नहीं मिलती, ना कुरान मजीद में तफसील मिलती है। ये लोगों का अपना वहमो ख्याल है जो उन्होंने फैला लिया है, जिसकी वजह से काफ़ी परेशान होते हैं। अलबत्त आपको अगर खौफ किसी चीज़ का बैठ जाता है तो उसका भी एक हल है, वो ये है कि अल्लाहुम्मा ला तैरा इल्ला तैरुका वला खैरा इल्ला खैरुका वला इलाहा गैरुका, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर किसी को किसी चीज़ से वहम बैठ चुका हो, जनरली होता है जब भी ऐसा होता है रात के वक्त पर मैं सुनती हूँ तो किसी ना किसी की मौत वाक़ हो जाती है और बेचारा कभी आजमाइश के तौर पर सही हो जाता है, अब उसका यकीन और बढ़ने लगता है, नतीजे में वो खौफ में मुबतला हो जाता है। अब वो ऐसी लाइफ से बाहर निकलने के लिए एक दुआ है जो मैंने अभी पढ़ी है, अगर हम ये दुआ पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह इस टाइप के वहम वाली ज़िंदगी से हम बाहर निकल सकते हैं। जज़ाकल्लाह। उन सारे लोगों को भी जवाब मिला होगा जो ऐसी चीज़ें, ऐसे खुराफात अपने जहन में रखते होंगे।